शायद तूफान रोक लेंगे वो आकर, खुशी ये करते शायद वो तूफान रोकना चाह रहे हैं, मुझे बोलेंगे तुम भी तो आए हुए हो, अबे भाई मैं तो बताने के लिए आया हुआ हूँ, फिर मैं नहा थोड़ी रहा हूँ जाके। और इस चीज से जरा दूर रहे क्योंकि हमारी यंग जनरेशन है उनके अंदर इतना जोश है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आगे करना क्या है, मुझे तो ये बात समझ, शायद वो तूफान रोकना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं सी व्यू पे, और सी व्यू के आने की आज रीज़न ये है कि ईद का चौथा दिन है, इतवार है आज, तो मैं और वकार यहाँ पर आए और हम लोगों ने आके आज प्लान किया कि बेसिकली एक साइक्लोन आ रहा है जिसको लेके काफ़ी र्यूमर्स फैले हुए हैं कराची की आवाम, कुछ लोग जो हैं वो इसको लेके थोड़े परेशान हैं और कुछ लोग जो हैं, जैसे हम लोगों की यूजली आदत है कि कोई भी ऐसा कोई सिनेरियो होता है, कोई तूफ़ान कोई साइक्लोन आ रहा होता है तो हम लोग फ़न करने के लिए सी व्यू पे पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग तो फ़न करने के लिए नहीं आए, हमारे यहाँ पे आने की आज रीज़न ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट किया जाए और बताया जाए कि वाकई में क्या कोई ऐसा साइक्लोन आ रहा है जिससे कराची के शहरियों को कोई नुकसान पहुँच सकता है, और हम लोग क्या ऐसे तूफ़ान और ऐसे साइक्लोन को लेके हम लोग मेंटली तौर पे और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मज़बूत है कि खुदा ना खास्ता कभी अगर ऐसा तूफ़ान आ गया अगर कभी कोई ऐसा तूफ़ान आ गया तो हम लोग उसको फ़ेस करने के काबिल हैं या नहीं है। पहली चीज़ आप लोगों को स्टार्ट पे ही बता दूँ, आप लोगों को मेन चीज़ ये है कि भाई सी व्यू बिल्कुल मत आइएगा, सी व्यू बिल्कुल बंद है हर तरह से। अभी पीछे फैमिलीज कुछ आए हुए थे, कुछ और लोग बाइक्स पे आए हुए थे, टिकटॉकर्स भी आए हुए थे बहुत सारे हमारे भाई, तो उनको भी यहीं से वापस भेज दिया गया कि यार वापस मुड़ जाओ और टिकटॉक जो है कुछ दिन बाद बना लेना। तो राइट नाउ जो है बेसिकली हम भी स्पेशल परमिशन लेके यहाँ अंदर तक आए हैं, वरना नहीं, आप देख लें हमारे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पर, पूरी रोड्स खाली हैं। इवन हमने ड्रोन उड़ाने की कोशिश भी की तो इतनी ज़्यादा हवा है कि ड्रोन नहीं उड़ा, और गर्मी बहुत सख्त है, मेरे ख्याल से 40 सेल्सियस तो है आज, सख्त गर्मी है। लेकिन आने की वजह ये थी कि आप लोगों को एक तो ये मैसेज कन्वे हो जाए कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं आए अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ, क्योंकि रास्ते में सिर्फ सी वी ओ पे नहीं और पीछे भी 3-4 चेक पोस्ट है जहाँ पे आपको रोका जा रहा है। तो हम लोग आए यहाँ पे और अभी सुनने में आ रहा है कि 17-18 तारीख को एक साइक्लोन है जो कि कराची या ठट्टा इस तरह कहीं टकराएगा आके, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। हम लोग वैसे आपको पता है बारिश के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं होते, तो इस तरह का साइक्लोन जैसे गुजरात से टकरा चुका है ये, और सिक्योरिटी यहाँ पे इस टाइम पे इतनी सख्त की गई है, तो आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पे ऊपर जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर जो है उड़ाए जा रहे हैं। वो पीछे आप देख रहे हो, वो कैमरे में तो नज़र आएगा नहीं भाई इतना दूर, वो पीछे जा रहा है। मैंने भी ड्रोन वैसे उड़ाया आज, तो ड्रोन एक सर्टन लिमिट के बाद जो है ना रुक गया है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि ड्रोन आगे तक ना जाए, ड्रोन तो मैं बहुत दूर तक भेज देता हूँ, लेकिन आज ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। समुंदर तक हम लोग जाने का सोच रहे हैं, लेकिन इतनी सख्त गर्मी है और वहाँ पर जाना एक तो अलाव भी नहीं है किसी के लिए भी, तो हम लोगों ने यहीं से सोचा कि यहीं से आप लोगों को ये सारी अपडेट्स दी जाएँ। बेसिकली ये एक चीज़ और आप लोगों को जो अपडेट इसमें करनी है कि भाई कभी भी कोई ऐसी चीज़ आए तो फ़न करने के लिए यहाँ ना पहुँचें यार, कोई भी हम लोग आते ना आओ चल के देखें कि क्या सूरत हाल है, और सिक्योरिटी जो है यहाँ पे बार बार पुलिस की गाड़ियाँ गुजरी जा रही हैं यहाँ से। और कल जब मैं यहाँ पे सी व्यू आ रहा था तो इतने सारे लोग जो सी व्यू के लिए आ रहे थे भाई, अगर और को अच्छा एक चीज़ और बता दूँ हम लोग, कुंड मलीर ही मत जाइएगा, कुंड मलीर भी बंद है, वहाँ भी जो जीरो पॉइंट है उस पर रेंजर्स खड़ी हुई है, डंडे मार मार के भगा रही है लोगों को, तो कुछ दिन सुख से बैठ जाएँ। अगर ये इस तरह कोई पेंडेमिक का दौर आए या ऐसी चीज़ आए तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, वैसे हमारा स्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी आफत आए तो हम लोग उससे मैनेज कर सकें। तो अभी थोड़े से आपको ड्रोन फुटेज भी दिखाते हैं हम लोग, और ड्रोन फुटेज में आप देखें कि कितना सन्नाटा यहाँ पड़ा हुआ है और क्या प्रिकॉशन आप लोगों को इसके अंदर लेनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को कन्वे करना चाह रहा था। तो अभी आपको ड्रोन फुटेज दिखाते हैं फिर।
कह रहे थे भाईजान क्या कहेंगे आप तूफान के बारे में? भाई जान अभी आना ही है आप नहीं है क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप हम तो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं, क्या काम है आपका यहाँ पे? ये कैंटोनमेंट बोर्ड से हैं हम। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे क्या है अभी पब्लिक का आना बिल्कुल मना है? बिल्कुल पब्लिक का आना या मना है अभी। अच्छा, जगह जगह के ऊपर पुलिस वाले खड़े हैं। अच्छा, तो पब्लिक को रोक तो है? कोई समंदर का पानी ऐसा खतरा है? बिल्कुल खतरा है, ये हमारी मशीन लगी हुई है, चल रही है अभी। अच्छा, कोई गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम किए हैं कि अगर फलाना खासा कुछ हो जाए? पुलिस के लोग खड़े हैं, DHA के खड़े हैं, हम कैंटोनमेंट बोर्ड लोगों को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल खड़े हैं। और पानी आ गया तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे? पानी आ गया तो इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे उसमें। जी बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? हम लोग इनके हेल्पर हैं। हेल्पर हैं? जी जी। हेल्प कर रही है, बाइक खींच रहे हैं आप? बाइक खींच रहे हैं। बाइक खींच के रखे हैं ताकि ये छुट्टी नहीं करके भाग रहे हैं। बोला समंदर आ रहा है, भाग रहे हैं। समंदर आ रहा है, भाग रहे हैं। पकड़ के रोका हुआ है। पकड़ के रखे हैं। चलाएं जरा बाइक को। जी वकार साहब, क्या क्या कहेंगे आप आज के ये जो साइक्लोन आ रहा है और ये सारा जो सन्नाटा पड़ा है, इसको लेके क्या बोलेंगे? साइक्लोन के बारे में तो यकीनन आवाम टीवी में देख रही है और आपने भी इसको बताने की कोशिश की कि कितना ख़तरनाक है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के साहली इलाकों से ये टकराए। तो जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान ख़ासतौर पर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा इस ख़तरनाक तूफ़ान को, इसकी शिद्दत को। जैसा कि अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि भारतीय रियासत, भारतीय शहर केरला से टकरा चुका है और पानी शहर में दाखिल हो चुका है। वहाँ जानी भी नुकसान हुआ है, इसके अलावा लोगों का माली भी बहुत सारा नुकसान हो चुका है। अभी हम पीछे जब CVO आ रहे थे तो छोटे छोटे बच्चों को लोग लेके आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को। भाई क्या करेंगे आप उनको यहाँ पर ला के? समंदर का तूफ़ान रोक लोगे? क्या करोगे? रुकावटें लगा दोगे? अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हो, अपने बच्चों की जान को भी खतरे में डाल रहे हो। खुदा का वास्ता है भाई, बच्चों को नहीं लाओ आप। अगर बहुत ज़्यादा एक बुरा वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, अगर है ऐसी कुदरती आफत के मौके पर कम से कम अपने और अपने जो छोटे प्यारे बच्चे हैं उनकी जान को खतरे में ना डालें, अपनी फैमिली की जान को खतरे में ना डालें और एहतियात करें। अल्लाह ने चाहा तो ये आफत भी टल जाएगी, फिर आप आएँ, तफरी करें यहाँ पर आके और इन्जॉय भी करें। लेकिन अभी चंद दिन हैं ये आफत के, खुदा रहा इसको घर पे बैठ के गुजार लें और अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें, उनको भी मना करें। चलिए, बहुत शुक्रिया वकार साहब, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने ड्रोन के फुटेज तो देख लिए भाई। अब मैं आप लोगों को CVO का जो खचा खच ईद के दिनों में भरा हुआ, जहाँ पठानों का डांस हो रहा होता है, वहाँ पे वो दिखाता हूँ कि सन्नाटा देखें यहाँ पे आप। सन्नाटा और खामोशी देखें आप ज़रा यहाँ की, ना कितना सुकून हुआ हुआ है और ना कचरा है। अच्छा, कचरे से भी एक बात याद आई, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा चलो आया हुआ हूँ तो ये कचरे की बात भी छेड़ दें। भाई देखें, ईद के दिनों में कहीं भी जाएं, ऐसा कोई मौका है, वैसे तो ईद अभी तो क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन था, बंद था, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। देखिए मेरे पीछे आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल कोई बाहर का कोई ऐसी ही जगह है जहाँ पर साफ़ सुथरा, कोई कचरा नहीं है। और लेकिन नॉर्मली अगर अभी ईद के दिनों में हमारी आवाम अगर यहाँ तक पहुँच जाती तो एक ये वाला साइक्लोन आए ना आए, एक कचरे का साइक्लोन ज़रूर यहाँ रोडों पे आ जाता। तो दो रिक्वेस्ट हैं आप लोगों से, एक तो इस मौके पे घर रहें, मेरे आने की इतनी गर्मी में वजह ये है सिर्फ हम लोगों के आने की, कि आप लोगों को एक ये मैसेज कन्वे कर देंगे भाई CVO साइड पे, किसी भी बलूचिस्तान में किसी भी जो बेल्ट है पूरी जो साहली पट्टी है उस पे कहीं मत जाएं बिल्कुल, अभी किसी दोस्त के साथ कोई प्लान नहीं करें, कोई फैमिली ना आए। और दूसरा, अगर आप कहीं भी बाद में जब ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, ऐसे अल्लाह के हुक्म से सब ठीक ही रहेगा, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि खुदा ना खास्ता अभी जैसे गुजरात में, इंडिया में ये साइक्लोन जो तूफ़ान है वो टकरा चुका है और काफ़ी वहाँ पर नुकसान हो रहा है इस टाइम पर। तो सब दुआ करें कि ये जो वक्त है ये आसानी से गुजर जाए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी आगाह हो सकें और इस चीज़ से ज़रा दूर रहें, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन है उनके अंदर इतना जोश है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आगे करना क्या है उन्होंने, मुझे तो ये बात समझ नहीं कभी आई। शायद तूफ़ान रोक लेंगे वो आकर, कोशिश ये कर, शायद वो तूफ़ान रोकना चाह रहे हैं, मुझे बोलेंगे तुम भी तो आए हुए हो। अबे भाई मैं तो बताने के लिए आया हुआ हूँ, सिर्फ मैं नहा थोड़ी रहा हूँ जाके, ना मैं कोई कचरा फेंक रहा हूँ। और अभी हम लोगों ने अगर कोई चीज़ खरीदी हुई यहाँ से तो हम लोग साथ लेके जाते हैं, डस्टबिन में फेंक के फिर हम लोग यहाँ से जाते हैं। सफाई का बहुत ख्याल रखें भाई और इस मैसेज को जितना हो सकता है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ। और एक चीज़ आप लोगों से जाते जाते भाई और कहनी है, 92%
जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं आके वो सब्सक्राइबर नहीं है, 7-8% लोग सब्सक्राइबर हैं, बाकी 92% लोग आते हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। ये नॉर्मल रेशियो बता रहा हूँ जो यूट्यूब हम लोगों तक पहुँचाता है। तो भाई यूट्यूब इस पर सब्सक्राइब करना या फेसबुक पर फॉलो करना ये तो फ्री है ना, हम लोगों को देखें चाहिए कि अपने लोगों को ना सपोर्ट करें, उनको आगे तक पहुँचाएँ। आप पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल ले लें, वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने हीरोज़ को, बनाते हैं हीरो। हम लोग पता नहीं क्या एक चिड़ आई हुई लोगों के साथ, ये हीरो क्यों बन जाए, मैं क्यों ना बनूं। अबे तो भाई अगर बन जाएगा तो क्या है, फ्री में तो बटन दबाना होता है, दबा दो बटन, क्या है। अच्छा है हम लोग निकलेंगे, एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को देंगे कि भाई यहाँ पे इस तरह का पॉजिटिव काम हो रहा है, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो खैर इन शॉर्ट, स्टोरी बहुत लंबी हो रही है, फिल्म बहुत लंबी चल रही है, तो शॉर्ट करते हैं इसको भाई कि अपनी एक तो मैंने, हाँ एक चीज़ छोटी सी और कि अपने जो यंग जनरेशन है ना इसके ना शऊर थोड़ा सा पैदा करें। टिकटॉक इन लोगों के दिमागों में इतना घुस गया है, मैं ये नहीं बोलता कि आप उसको यूज़ ना करें, बिल्कुल करें, टिकटॉक भी यूज़ करें, इंस्टाग्राम भी यूज़ करें, सब करें, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें। वो डांस कर करके दिखाने से कुछ नहीं होगा भाई, दुनिया को बताएं कि हम लोग एक शऊर वाली कौम है, अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो को बस यहाँ पे इख्तिताम करते हैं जी, और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें जी। सांस फूल गया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।